हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप सब मोनिका वर्मा और आप सब देख रहे हैं संतावास टीवी। सबसे पहले तो आपको हमारी और हमारी टीम की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक बधाई है। जैसा कि आप जानते हैं, कल माननीय मायावती जी ने, हमारी बहन जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे जो समता दल है, हमारे जो वॉलंटियर फोर्स है तथा MP आज़ाद सर उसमें शामिल हुए थे। तो आइए चलिए हम थोड़ी चर्चा करते हैं इस विषय में कि माननीय बहन जी की क्या नई रणनीति है 2022 चुनाव के लिए। आइए हम पूछते हैं कि और क्या क्या रणनीतियाँ उन्होंने वहाँ बताई हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं MP आज़ाद सर जी, आइए इनसे जानते हैं, पहले इनका हम परिचय लेते हैं। इससे पहले अपना परिचय दीजिए, फिर आप बताइए कि जो मायावती जी से हमारी बहन जी से मिले, मुलाकात जो आपकी हुई मीटिंग में, आपकी क्या वहाँ पर रणनीतियाँ आप इन सबसे डिस्कस हुई हैं, उसके बाद कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल समतावाद टीवी और जनतानी जी, जो हमारे मित्र हैं, और सभी भोजन टीवी के जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे चैनल्स हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि कल बहुत ही अहम दिन था, माननीय बहन जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, जो रेगुलर प्रेस, अभी तक आपने देखा होगा NI से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन कल माननीय बहन जी ने एक रेगुलर प्रेस बुलाई थी। लगभग 400-500 चैनल के लोग आ गए थे, हमारे सब चैनल के लोग, चाहे भोजन से हो, चाहे जनरल से, मतलब सारे चैनल को इन्वाइट किया गया, 400-500 लोग आ गए थे। माननीय बहन जी ने जो कॉन्फ्रेंस की वो तो आप लोगों ने जान ही रहे हैं। तो मैंने उसमें मेन चीज उन्होंने पूछी थी जो चैनल के लोगों ने, कि आप किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो मैंने भाई ने सीधा कहा था कि मेरा गठबंधन जनता के साथ में है, मेरा यहाँ की जनता सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पार्टी है, तो हमारा गठबंधन जनता के साथ में है। उसके बाद में हम लोगों ने मुलाकात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, और उसको आपने देखा होगा जो फोटो चल रही है, वायरल फोटो हुई है, जो मैंने भाई जी के साथ में जो आशीर्वाद मिला, उसमें तमाम कुछ लोग नए चेहरे भी आपने देखे होंगे जो दूसरे दल से या संगठन से आए थे, उसमें जो आजकल एक संगठन चल रहा है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नाम से। तो उनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बोध जी ने भी कल सदस्यता ग्रहण की, और राष्ट्रीय प्रवक्ता और भीम आर्मी के रहे भाई सुरजीत सम्राट जी दिल्ली से आए हुए थे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से, तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया, और वो लेकर के आए भाई राहुल नागपाल जो कि राष्ट्रीय कवि हैं, और उनका भी चैनल चलता राहुल लाइव 85। तो उन्होंने कल माननीय राहुल नागपाल जी और उनके साथ में कई समर्थक जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को छोड़ करके कल बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी के समक्ष, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के समक्ष सदस्यता ग्रहण की, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, क्योंकि वो जिम्मेदार लोग भी हैं, उन्होंने ही भीम आर्मी को आगे बहुत बढ़ाया। उनको मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ, तो भीम आर्मी बहुजन पार्टी को बहुत बढ़ावा दिया, और बढ़ाने के बाद में उन्होंने देखा, क्योंकि जो संगठन थे भीम आर्मी संगठन थे, इन्होंने देखा इनकी पहले शर्त थी, जनसेवा की शर्त थी कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम संगठन चलाएंगे, और संगठन से हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करेंगे, अगर आप पार्टी बनाते हो हम पार्टी में आपके साथ में नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर जी ने बात नहीं मानी, नहीं माने तो उन्होंने पार्टी बनाई तो उन लोगों ने उसी समय उसको छोड़ दिया, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने बात किया कि भाई आप कहीं चुनाव खोपड़ी पर है, अगर हम लोग अलग अलग लड़ेंगे, अलग अलग दलों में जाएंगे, तो हम पिछली जो 2017 में चुनाव मेरा लगभग 165 सीटें ऐसी थी जो 1000 से लेकर 3000 तक थी, जो हमारे विधायक नहीं बन पाए थे, तो छोटे छोटे दलों में जो लोग हमारे 1500 वोट काट लेते हैं, तो वो नुकसान अपना करते हैं, ना तो वो स्वयं सरकार में आ पाते हैं, ना दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, और बार बार झेलना होता है। इसलिए छोटे छोटे संगठन है, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से उन सबको मैं स्वागत करता हूँ कि आप लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाओ, और जो भी आपको सम्मान छूट गया था पिछली सरकारों में, वो माननीय भाई सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध हो चुकी है, और माननीय बहन जी जो होती है तो सम्मान तो जो भी मिला भी है वो माननीय बहन जी या बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ही मिला है। ये कटु सत्य छोटे छोटे दल आज जो बन के आए हैं, उनको अभी हकीकत जमीन की नहीं मालूम है। आज आपको कोई घाट डाल रहा है तो BSP की देन है। अगर BSP इतना बड़ा स्तंभ ना होता तो तुम्हारा कब का दल दिल खत्म कर दिया जाता। ये सामंती सरकार है, ये BJP जैसी सरकार है, इनका सिस्टम तो आप जान रहे हैं, RSS का सिस्टम जान रहे हैं। ये तो ऐसे माननीय बहन जी कहती है, सांपनाथ नागनाथ वाले लोग है ना, जो कांग्रेस और BJP इन्होंने अभी तक तो छला ही है, उन्होंने 70-75 साल उसके बाद यहाँ तक देख लीजिए, आप देखिए पूरे देश में, चाहे युवा हो चाहे हमारा किसान, इतना दिन कितने 8 महीना लगभग हो जा रहा बैठे हुए हैं, और 3 बिल उनके जो उनका नुकसानदायक है, उनका खेत भी छीन रहे हैं, दुकान भी छीन रहे हैं, रोजगार भी छीन रहे हैं, शिक्षा भी छीन रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी करके बहुजन समाज के लोग कहाँ पढ़ पाएंगे, इतनी शिक्षा महंगी हो रहा है, यानी इतना कंपटीशन करते जा रहे हैं, तो हमारे लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके हमारी जड़ को खत्म करना चाहते हैं, और इस जड़ को बचाना अगर है तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा, और सत्ता में आपका एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही जगह है,
कि जो सर्वजन की पार्टी बात करती है, माने बहन जी बात करती है, उसमें कोई जात की विशेष नहीं है और वहां पर सर्वजन, जैसे कि हम लोगों को माननीय बहन जी तक मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद हैं और कई भी अहम पद में कैबिनेट मंत्री भी रहे और पूरी जिम्मेदारी के साथ वो मैं तो उनके साथ करीब दो दिन से लगभग रहा हूँ और सारे लोग रहे, पाँच घंटे लगातार बैठा हूँ, तो तमाम भ्रांतियाँ जो फैलाई जाती हैं तो उनका मैं काट करता हूँ, क्योंकि ये भ्रांतियाँ लोग आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं वो फैलाते हैं। तो माननीय मिश्रा जी का जो सिस्टम है मैंने देखा उसको, उनको जाकर करीब में जाकर के देखा कि वो पार्टी के प्रति समर्पित है। उन्होंने एक चैनल में कई जगह बोला है कि मैं तो पैसे से वकालत करता हूँ, पिताजी उनके चीफ जस्टिस रहे और वकालत से माननीय बहन जी ने इन्वाइट किया था, तब वो राजनीति में, उन्होंने कहा मेरी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से, अंत भी हमारा जीवन जो है बहुजन समाज पार्टी में रहेगा और मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रतिबद्ध हूँ, समर्पित हूँ। तो ऐसे कट्टर समर्थक भी हमारे साथ में, जो अपने समाज के साथ भी, अभी देखा वो प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा था तो पूरे प्रदेश में उन्होंने प्रत्येक जिला में जा करके अपने लोगों को समझाया, क्योंकि ये बीजेपी सरकार जो है वो ना तो ब्राह्मणों की सरकार है, ना यहाँ पर ठाकुरों की सरकार है, ना ओबीसी की सरकार है। आप अगर गंभीरता से उसको देखें तो ये सिर्फ व्यापारियों की सरकार है, इनको व्यापारी चला रहे हैं, इसलिए आपका रेल बिक रहा, तेल बिक रहा, ट्रेन बिक रही, आपका जो हवाई जहाज बिक रहा, आपका बीएसएनएल बिक गया, एलआईसी बिक गई, बैंकें बिक गई, इतनी हमारे कितने लोग रोड पे आ गए, एक चार चार बैंकों को एक एक बैंक में मर्ज किया जा रहा है, तो हमारे बहन के रोजगार पे वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वो मारने धक्का मारने वाला शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच समझी एक रणनीति है। इसलिए माननीय बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को और मतलब सब जन हिताय जो सर्वजन सुखाय का माननीय बहन जी ने नारा दिया है, तो सभी समाज के लोगों को खास करके युवाओं को जो इधर उधर भटक गए हैं, ये आपको एक सुनहरा अवसर मिला है, मौका मिला है, बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाओ। बहुजन समाज पार्टी सरकार बन रही क्योंकि लोग जितने ही प्रताड़ित हैं, मैंने तो कल देखा बहुत से लोग ऐसे जो इतने प्रताड़ित हैं, गाय से प्रताड़ित हैं, महंगाई से प्रताड़ित हैं, डीजल पेट्रोल से प्रताड़ित हैं, तो ये ऐसे लोग अभी इनको इतना परेशान हो गए, इनको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में फिर वो एक ही चलता है, उनका लठवाद चलने लगता है। बीजेपी को तो आप देख ही रहे हैं, जो बताने की जरूरत है नहीं, कांग्रेस को आपने पूरा हमारे पूर्व दिन देखा ही देखा है, तो इस टाइप से आज सिर्फ और लॉ एंड ऑर्डर अगर देखना है तो माननीय बहन जी का देखो, सरकार देखनी माननीय बहन जी की देखो, माननीय बहन जी की सरकार हुआ करती थी, आप देखिए बेटियां हैं, बहुएं हैं या तमाम ऐसी चीजें हैं जो आराम से 10 बजे निकले, 11 बजे निकले, स्कूल जाए, पढ़ाई लिखाई करें, पूरी शिक्षा उन्होंने फ्री कर रखी थी। अभी थोड़े दिन पहले आपने केबीसी पे देखा होगा, एक लड़की दिव्यांग आंखों से एक्सीडेंटल, उसकी दोनों आंखें चली गई थी और उसने केबीसी जो अमिताभ बच्चन जी चलाते हैं स्टार, हमारे महास्टार, उसमें उसने 1 करोड़ रुपया जीता है, आगरा की बेटी ने 1 करोड़ रुपया जीता और उसने बकायदा वहां पर कहा भी कि हम शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से आए हैं, जो विश्व में एक ही यूनिवर्सिटी है, विश्व में कहीं पर भी नहीं, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है, और जिस समय उसका वो स्वयं बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी दोनों आंखें चली गई थी, इंटर क्लास की छात्रा थी और उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी, जिसकी आंखें नहीं रहेंगी वो क्या करेंगे, लेकिन उनके पिताजी को किसी ने बताया कि लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बीजेपी सरकार में बनाई गई थी, माने बहन जी ने बनाई थी, और वहां पर ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है और वो वहां से आई, यहाँ पर एडमिशन हो गया और बगैर यहाँ सारा कुछ फ्री होता है, दिव्यांग बच्चों के लिए सारा कुछ पढ़ाओ फ्री होता है। हाँ, तो उसके बाद में वो तो जनरल कैटेगरी के भी आ सकते हैं, इनको लिए सारा फ्री होता है, तो वो देखा उसके बाद में उसने पढ़ाई वहीं से स्टार्ट किया और खुद कहा कि वहां पर एक ऐसा है कि मुझे कभी नहीं लगा कि हमारी दोनों आगे नहीं है, विधिवत ने किया, वहां से 1 करोड़ रुपया जीता और समाज में आगे काम करने के लिए बेटे ने कहा। तो ऐसा एक चीज नहीं, कई चीजें हमारी सरकार में, जिस समय अयोध्या का मामला आया था 2009 या 2010 का रहा होगा, उस समय सुप्रीम से हाई कोर्ट से फैसला आना था, तो लोगों ने एक कयास लगाए थे कि इस बार हिंदू मुस्लिम को कोई बचा नहीं सकता, माननीय बहन जी की सरकार में चीफ मिनिस्टर थी और एक पत्ता भी नहीं हिला, क्योंकि उस दिन मैं भी था यहाँ हाईकोर्ट में ही, यही हाईकोर्ट पहले पुराना वाला हुआ करता था, पुलिस व्यवस्था तो थी, वो तो रहती क्योंकि पब्लिक इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, लेकिन जब फैसला आया था तो नहीं कहीं पर भी एक न चौराहा न कहीं दुकान कुछ भी बंद नहीं कराया गया था और फैसला आया, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, कहीं एक नुकसान हाथा पाई चिड़िया तक का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो माननीय बहन जी को देखो, शिक्षा के प्रति उन्होंने जो कार्य किए हैं, 6 यूनिवर्सिटी बनाकर काम किए, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं,
और मैंने जो है अम्बेडकर ग्राम से जोड़ा, कासीराम आवास से जोड़ा। हम हमारी सरकार बहुजन समाज पार्टी सरकार ने हर वो काम किया है जो शोषित लोगों, हमारी पार्टी शोषित दलित पीड़ितों की है, तो हमने तो उनको उठाने का काम किया। ये चीज उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई जो सामंती व्यवस्था में आते हैं, आरएसएस के जो लोग हैं उनको समझ में इसलिए नहीं आती कि आखिर ये दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, मेरे सामने मेरे चेयर पर कैसे बैठ सकते हैं, कैसे मेरे से बात कर सकते हैं। आज हमारे मीडिया के लोग हैं, आप लोग हैं, नए बच्चे हैं, पहुंच जाते हैं, आप सब बताइए, तो उनको जवाब इसलिए नहीं निकलता कि ये शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, ये बैकवर्ड के बच्चे हैं, ये हमसे कैसे पूछ सकते हैं। मैं ऑर्डर करता हूं उनको, तो इनको तकलीफ है। मान्य बहनों ने जो इतिहास पढ़ा किया आज पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, यहां से लेकर के आप दिल्ली तक चले जाओ, एनसीआर में पूरा बना हुआ, तो बुद्ध में भारत की बाबा साहब ने जो सपना देखा था, मानव कासीराम साहब ने जो सपना देखा था, बुद्ध में भारत होना चाहिए, समतामूलक समाज होना चाहिए, तो समतामूलक समाज को अगर सही से स्थापित किया है तो मान्य बहन ने किया है। हम फर्जी के अम्बेडकरवादी नहीं बन सकते। आज प्रत्येक ऑफिस में हमारी सरकार, इस समय सरकार चल रही है, योगी सरकार चल रही है, प्रत्येक आदमी बोलते बाबा साहब फोटो लगाओ, ठीक अच्छी बात लगाओ, बहुत अच्छी बात है, वो संविधान शिल्पी है, देश में भारत रत्न है, लगाना चाहिए, लेकिन उनका सम्मान भी तो करो, फोटो लगाने से कुछ नहीं होता। मान हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो, उन्होंने बताया कि मेरे बनाए हुए रास्ते पे चलो, इस मिशन को अगर आगे ना ले जा पाना तो पीछे मत आने देना। फोटो तो आपने लगवा दी, मैंने कई ऑफिसों में देखा वहीं पिंगदान भी रखा हुआ है, तो वो आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। फोटो आप हमारा समाज भी जागृत हो गया है, एससीओ भी जागृत हो गया है, ललित सिंह यादव की फोटो तो लगवा दी लेकिन सम्मान नहीं दे पा रहे हो। ललित सिंह यादव ने तो पूरी सच्ची रामायण लिखी, सुप्रीम कोर्ट से दस्तखत करके ले आए, और आप उन्हीं के सामने अगरबत्ती सुलगाते हो, तो हम उनको सम्मान कहां दे रहे हैं, हम तो उनका अपमान कर रहे हैं। तो जिस विचारधारा से हमने पूरा धर्म को ही त्याग दिया था और सामाजिक परिवर्तन को, व्यवस्था परिवर्तन में करने की कोशिश की, और उसको ही हम उनके सामने ले जाए, तो हम उनका सम्मान नहीं कर पाए। तो बाबा साहब ने जो हमको रास्ता दिया, इतना बड़ा संविधान दिया, हम संविधान की बात नहीं मानेंगे, उनकी फोटो को मानेंगे। उन्होंने संविधान दिया, उनको मानो ना, संविधान में जो चीज उसको लागू करो, और उसके बाद देखिए ये समतामूलक समाज, जिस दिन आप पूरा संविधान लागू कर दें, कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि संविधान बहुत बड़ी ताकत है। बाबा साहब देकर जो कलम की ताकत देकर गए, वोट की ताकत देकर गए हैं, इस वोट को पहचानो। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को, जहां चुनाव आ रहे हैं, इस वोट को इस बार में अगर आपने बेच दिया तो फिर आगे 5 साल के बाद हो सकता है वोट डालने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए वोट और बेटी, इन दोनों की बड़ी सुरक्षा की जाती है। जब हम बेटी को ऐसे बिना जांचे परखे नहीं दे सकते हैं, तो बेटी की सुरक्षा के लिए वोट को भी बिना सोचे समझे जरूरत कतई नहीं डालें। वोट की कीमत हमारी बेटी से बहुत आगे है, क्योंकि जब हम वोट सही जगह डालते हैं तो हमारी बेटी की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। इसलिए सभी से हमारा विनम्र अपील है, इस बार बहुजन समाज पार्टी को माननीय बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाओ, जो कल प्रण लिया गया है, यही प्लानिंग भी की गई है। इस बार जो युवा इधर उधर भटक गए, छोटे छोटे संगठन हमारे इधर उधर हो गए हैं, उनको कुछ रुष्ट हो गया है, तो माननीय बहन जी ने सीधे तौर पर कल कहा है कि जो भी है ये सब हमारे बच्चे हैं, एक कोई लूट गया, कोई इधर चला गया, उधर चला गया, तो हम इनसे कोई नाराज नहीं है, इनका सबका स्वागत है। उसमें 2-3 लोग ऐसे थे जिनका कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि साहब ये तो फला पार्टी में, साहब ये तो फला पार्टी में थे, तो उनका कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं, पिता के 5 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, तो एक थोड़ा गड़बड़ निकल जाता है, इसके मतलब थोड़े भी शाम को वापस आया तो गर्दन ही भगाया जाता है। तो अपने घर आ गए हैं, अपनी अच्छी जगह पर आ गए हैं, और ये हमारी पुरानी कोठी हवेली है, और ये ऐसी हवेली बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी हवेली है जिसमें 100 नहीं 1000 नहीं 1 लाख नहीं पूरा देश समा सकता है। बहुत बड़ा मूवमेंट है, बाबा साहब का जो मूवमेंट आज विदेशों में पढ़ा जाता है, संविधान को माना जाता है, छोटा मूवमेंट नहीं है। इसलिए सभी युवाओं से सभी एक अपील है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म में जुड़े और पुनः बहुजन सरकार बनाए, माननीय बहन जी को सरकार मुख्यमंत्री बनाए, इसी मंत्र की बनाई। सर आप जानते हैं सारी जो पार्टियां हैं वो समतामूलक समाज की बात तो करते नहीं, कोई करती नहीं, कुछ पार्टी जिसमें किसी नाम नहीं लूंगी, कोई एक किसी एक कास्ट को या फिर किसी एक बिरादरी को कहें तो एक समाज को पूरा काफी प्रायोरिटी देती है, हमेशा देती आई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी या बीजेपी पार्टी हो। तो क्या मतलब माननीय बहन जी भी मतलब क्या समतामूलक समाज पे विश्वास रखेंगे या फिर किसी एक ही समाज को आगे लेके चलेंगी साथ में? नहीं नहीं, देखो समतामूलक समाज की अगर कोई बात उठाई पहले से लेकर अभी तक, वो माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि समतामूलक समाज की अन्य पार्टी के सामने मतलब समाजवादी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस और भी छोटी मोटी पार्टी, सच्चाई में तो उनको समतामूलक का अर्थ ही नहीं पता है। समतामूलक समाज की तथागत बुद्ध ने सपना देखा था 1000 साल पहले,
उसके बाद उनको यथार्थ करने के लिए परम पुज बाबा साहब ने उनको आगे लाए। तो समता मूलक समाज का मतलब है कि हमारे अंदर कोई छोटाई बड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो जातिवाद तो तब खत्म होगा ना, हमारा रोटी बेटी संबंध होगा। तो ए पार्टी में से कोई है नहीं इसमें, इन पार्टियों में जहां जो नाम लिए है तो ऐसा कोई नहीं। ये सिर्फ वोट के लिए समता मूलक शब्द अर्थ यूज करते हैं, सच्चाई में इनके पास कोई समता मूलक कार्यता नहीं है। जैसे सर अभी 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 2 नवंबर को एक मूवी रिलीज हुई है, जय भीम नाम है उसका, साउथ मूवी है वो बेसिकली। सर उसमें एक बहुत अच्छा सीन दिखाया गया कि जो बच्चों के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होते हैं 26 जनवरी को, 15 अगस्त दिन हो गया, तो उसमें क्या होता है बच्चे भगत सिंह बन रहे हैं, महात्मा गांधी बन रहे, सरोजिनी नायडू बन रहे, कोई भी अंबेडकर बन के वहां पर नहीं दिखाई देता कभी भी। जैसे कि आपने बात की कि फोटो तो लगी कोई सम्मान नहीं देता, सिर्फ इतनी मतलब इतनी बड़ी हस्ती है अंबेडकर जी हमारे रहे हैं, लेकिन कोई मतलब उनको इतना याद नहीं करता, मतलब ऐसा क्यों है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए जो जैसे कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बस स्कूलों में तो कभी ऐसे जातिवाद कोई दिखने को नहीं मिलता कि बच्चे के हाथ, अब नहीं दिखता, पहले तो बहुत रहा जातिवाद स्कूलों में कि बच्चों को बैठने दिया, जमीन बिठाया जा रहा है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं कि बच्चे मतलब फली मतलब अभी सर धर्म को लेके बच्चों में थोड़ी आ जाती है कि नहीं वो हिंदू के पास नहीं बैठो, मुसलमान के पास मत बैठो, ऐसा भी है, लेकिन जातिवाद वाला सिस्टम नहीं है अभी। लेकिन आपको आपको ऐसा महसूस होता होगा कि जातिवाद सिस्टम नहीं है। रोहित बिमला का नाम सुना आपने? नहीं सुना तो आज हिस्ट्री जरूर पढ़ना। आज के 5 साल लगभग हो गया, 4 साल रोहित बिमला रांची में, तो रांची शायद था, वहाँ पे वो हॉस्टल में रहते थे, बाबा साहब की प्रतिमा लगा करके चरणकाश से थे, और इतनी मानसिकता, इंजीनियरिंग क्लास का जो बच्चा हो, इतनी महाकौर बुरी मानसिकता थी कि उस बच्चे को सुसाइड करना पड़ा था सिर्फ इसलिए, वो परेशान किया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आज भी ऐसा नहीं है कि जातिवादी मानसिकता नहीं, हम कुछ लोग शहरों में आ गए हैं, अच्छे समाज में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर है कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ये जातिवादी मानसिकता इतनी जल्दी नहीं खत्म होती है, लेकिन उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जय भीम मूवी का आपने जिक्र किया है, तो जय भीम मूवी में जो आपने बताया कि चंद्रशेखर जी बन रहे हैं और भगत सिंह बन रहे हैं, हमारे क्रांतिकारी को नाम जो आपने लिए, बाबा साहब को नहीं दिखाया गया, तो वो उस समय के उसमें दिखाया गया, वो तमिल जो सरकार है उस सरकार में ऐसा होता था। जय भीम मूवी में कोई अलग से जोड़ा नहीं गया है, वो सच्चाई दिखाने की, जो सूर्य कुमार उसमें जो जो एक्टर है और वो वाई कास्ट यादव है, वो ओबीसी से आते हैं, यादव हैं, लिखते नहीं, लेकिन मैं उनकी स्टोरी देख चुका हूँ। तो उन्होंने जो मूवी दिखाई और सच्चाई दिखाने की कोशिश की कि हमारे सब कुछ होता है, हम 18 हाथ की फोटो रख लेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन हमने हमको जिस व्यक्ति ने जिंदगी जीने का अधिकार दिया है, और जो आज हम बैठे हैं चेयर के ऊपर और बिसलरी का पानी पी रहे हैं, अच्छे से ऑफिसों में, अच्छे से घरों में है, अच्छे से शादी बराते कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने अधिकार दिया है, बाबा साहब ने अधिकार हमको दिया है, हम उनको बोले बैठे हुए हैं। अभी भी हमारे हमारे लगभग 1-2% लोग ऐसे होंगे जो सच्चाई को मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हम बाकी जो हमारी जिंदगी है, हमारे खून का आखिरी कतरा भी अगर है तो वह कर्जा में है, बाबा साहब के कर्जा में है, उनका हम कर्जा नहीं उतार सकते, समाज कर्जा नहीं उतार सकता, लेकिन उनका अगर हम 1% मूवमेंट को अगर आगे बढ़ा दें तो कुछ हम हिस्सा को बांट सकते हैं, हमको जो लोग कर्ज किया। अब जैसे मूवी में ये देखिए, ये तो अभी की मूवी दिखाएगी 95 की, आप 95 पहले जाइए, 95 नहीं आप 55 से पहले आइए, जब संविधान नहीं था उस समय देखिए, या फिर वो तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, 95 वो क्या नाम 55-50 में संविधान लागू हुआ, आप 89 से पहले आइए, 89 में केंद्र में हमने सरकार में दखल किया, बहुजन समाज पार्टी ने दखल किया था, मानवर साहब ने बाबा साहब को जो भारत रत्न जबरदस्ती दिलाना पड़ा, देखिए सामंत की व्यवस्था क्या होती है, भारत रत्न भी नहीं दिया, तो वो परम पूज्य मानवर काशीराम साहब ने एक सिस्टम बनाया, सरकार गिरा, अटल जी की सरकार थी, गिरा दी थी, उसमें बीपी सिंह जी को फिर करके अपनी मंडल कमीशन लागू करवाया था, SC ST का जो निष्क्रिय पड़ा हुआ था उसको लागू, तमाम 5 शर्तें थी मनवाई थी। तो आप उससे पहले आइए, आप 89 पहले आइए, उस समय स्थितियां क्या थी, दलित वोट तब भी देता था, आज भी देता है, सम्मान अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कहीं किसी को सम्मान नहीं मिला। जब जब सरकार रही है तो अधिकारी भी राइट टाइम रहे हैं, पुलिस कर्मचारी भी एकदम राइट टाइम रहे हैं, अगर आपको किसी ने प्रताड़ित किया है, 10 बजे आपने अगर फोन थाने किया तो इंस्पेक्टर साहब स्वयं आते हैं, कोई कोई किसी लॉ एंड ऑर्डर में अन्य बहन जी को कोई नहीं पा सकता है, और तत्काल जैसे मान लीजिए कोई केस हो जाता था, कोई बड़ा केस होता है तो तत्काल अरेस्ट होते, तो और गुंडाओं गुंडों को आप देखिए 2007 में जो भवन सरकार बनी, मैं तो हृदय रहने वाला, हमारा होम मिनिस्टर कर दो, ये ऐसे लोग लखनऊ में रहता हूँ,
मैंने 2006-07 से लगभग पदाधिकारी रहा हूँ, बाकी क्योंकि बम से रहे हमारे पिताजी, तो पार्टी से रहा हूँ और अच्छे अच्छे पदों में रहा हूँ, स्टेट पे भी रहा हूँ, मंडल में भी रहा हूँ, लोकसभा में रहा हूँ, कई पदों में रहा हूँ। तो मैं उस समय जब देखा तो गुंडे कितने थे मेरे यहाँ के, 2-3 गुंडे ऐसे थे तो उनको पुलिस पकड़ नहीं रही थी, तो उनका आप बहन जी का मामला चल रहा है यहाँ, तो गुंडे हटाओ अभियान चल गया, या तो उनको जेल भेज दो, या तो बहन जी ने सीधे मत से कह दिया था, या तो ये जेल चले जाए, या फिर सीधे प्रदेश छोड़ दें, कि गुंडों की यहाँ जगह है नहीं। तो कई गुंडों ने पुलिस से मिल करके उनका छोटे मोटे मुकदमे डाले, मेरे पुराने ओपन कर दो, मुझे जेल भेज दो ताकि सुरक्षित बने रहे। तो लॉयर ऑर्डर वहां से आप उठाइए, देखिए आप हमारे जब सरकार होती थी, आप लोग तो खैर कम उम्र रही होगी, पिताजी मम्मी से पूछ सकते हैं कि बहन जी की सरकार में आज 10 साल पहले क्या होता था। तो माननीय बहन जी को लॉयर ऑर्डर से लेकर शिक्षा में अनुशासन में कोई नहीं पा सकता है, और अनुशासन जो कि ऐसा है कि जिसमें उस समय हमारे एक मिनिस्टर के ऊपर आरोप लग गया था, बहन जी चाहती उनको बचा सकती थी लेकिन उनका नहीं। अगर आज हमने एक गलती को छुपाया तो कल 4 लोग और गलती करेंगे, उन्होंने तत्काल उसको जेल भेज दिया था। तो बहन जी इस मामले में वो अपने मंत्रियों को बख्शती नहीं है। सर जैसे कि अभी जैसे काशीराम जी का वो परिनिर्वाण दिवस था, तो हमने देखा था कि पर्यटन स्थल थे जितने भी माननीय बहन जी ने बनवाए थे, उनकी हालत बहुत ही खराब थी, जिसकी अंतानी सर जो है हमारे, उन्होंने भी देखा था, वो तो वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर उसमें सफाई होती, घिसाई कर रहे थे वहाँ पे हाथियों की, गेट सब पॉलिश दोबारा सी गई, अभी तक उसमें कुछ नहीं था। तो मतलब इतना खौफ है लोगों का, मतलब बहन जी को लेकर कि वो आज उनका यहाँ पे मतलब परिनिर्वाण दिवस मनाया जाने वाला है, तो अगर वो देख लें कि ऐसी हालत कर दी सरकार ने, तो सर इसमें इसके लिए क्या करेंगे? जो स्वागत के रूप में है वो हमारा सिंबल नहीं है, वो हाथी है, वो उसको हम किसी रूप में देखें तो वो हमारा ऊपर का जो छोड़ है वो एक स्वागत के रूप में है, वो कहीं कहीं सरकारी वहां भी लगे हुए हैं। तो इन लोगों ने सिर्फ इसलिए वो उन पार्कों को, उन स्मारकों को सफाई नहीं करे, जबकि वहां पर बाकायदा बहन जी ने एक आयोग बना करके, सिक्योरिटी का और सफाई का आयोग बना करके उसमें 1,08,000 से ऊपर भर्तियां की थी, बाकायदा उनको रोजगार दिया। लेकिन अब क्या है कि उनके ऊपर कमांड करने वाला इनका मिनिस्टर है, इनकी सरकार है, तो वो कहते हैं कि जहां जहां पर माननीय बहन जी मायावती जी ने बनवाया है वहां पर आप काम नहीं करोगे, उसको दुरुस्त नहीं रखोगे, जबकि जो रेवेन्यू आता है वहां का, जो टिकट का पैसा आता है, वो क्या पार्टी हमारी थोड़ी जाता है, वो सरकार में जाता है, वहां से तमाम लोगों की चूल्हे जलते हैं, तमाम सरकार का जो कोष जमा होता है, तमाम लोग नौकरियां मिलती हैं, तमाम बजट आते हैं, सरकार को फायदा होता है, तो फायदा लेना जानते हैं। लेकिन अभी क्या है कि वो मानसिकता उनकी ये है कि वो हम आपने बनवाया, हम नहीं उसमें सफाई कराएंगे, हम नहीं उसमें कराएंगे, और जो शपथ लेना होता है तो जगह नहीं मिलती, फिर ढूंढते हैं टेंट लगवाओ, वहां फिर भी हाथी आ ही जाता सामने, क्योंकि हाथी तो विशाल है, वो गणेश जी का रूप है, तो कहां चले जाएंगे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावास टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।